प्रोफाइल जो है मैच करके यहाँ पे आपका कार्ड जो है दोस्तों दिखाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपका क्रेडिट कार्ड जो है देख सकते हो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है सीएन। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो बिना किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हुए। यहाँ पे कोई भी सिविल स्कोर को चेक नहीं किया जाएगा, सिंपली आप अपने आधार नंबर पैन कार्ड को डिटेल्स को फिलअप करके और आप अपना रेसिडेंस एड्रेस को प्रोवाइड करके और आसानी के साथ आप इसमें अप्रूवल ले सकते हो, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ कैसे आपको अप्लाई कर लेना है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले करना क्या है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आपको इस वाले वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड करके आ जाएगा ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एक्सिटिंग एक्सिस बैंक कस्टमर, तो सिंपली आपको यहाँ पे करना है नो। अगर ऑलरेडी पहले से आपका बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक के अंदर तो सिंपली आप यस कर सकते हैं। नो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर, अपना पैन नंबर, साथ में अपना पिन कोड डालना है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ का पिन कोड डालना है। इसके बाद से नेट एनुअल इनकम जो है यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी 3 लाख 4 लाख जो है, यानी कि सालाना आपका अर्निंग कितना है। इसके बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे और कुछ ऑप्शन आएगा, जो कि आपको आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम होगा वो डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टाइटल जो है दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपना जेंडर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक नेम ऑन डिजायर ऑन कार्ड, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपका क्या नाम होना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, साथ में अपना मदर नेम डालेंगे। इसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे स्पाउस नेम यानी कि हस्बैंड या फादर नेम आप डाल सकते हो। मेटेरियल स्टेटस जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इंटर रेसिडेंट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स होगा वो चीज यहाँ पे पूरा डिटेल्स के साथ आपको अपलोड करना है। इसके बाद सिंपली अपडेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, साथ में अपना ऑफिस एड्रेस जहाँ पे भी आप काम करते हो उस एड्रेस का पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। अगर यहाँ पे गलती से भी अगर अपना एड्रेस जो है कंप्लीट नहीं डालते हो तो देख सकते हो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद से आपका जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि वेयर डू यू लाइक टू रिसीव योर कार्ड, यानी कार्ड को आपको कहाँ रिसीव करना है, रेसिडेंट एड्रेस पे या फिर से ऑफिस एड्रेस पे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। साथ में अपना ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा कि सैलरीड हो या फिर से सेल्फ एम्प्लॉयड हो। किसी भी कंपनी के थ्रू अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट आता है, अगर उस कंपनी का नाम आता है तो सिंपली आपको सैलरीड सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपका कार्ड होगा आपके प्रोफाइल जो है मैच करके यहाँ पे आपका कार्ड जो है दोस्तों दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे सैमसंग का है क्रेडिट कार्ड है, इसके बाद से आपका एक्सिस रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है, माइजोन वीजा क्रेडिट कार्ड है, इसके बाद से इंडियन ऑयल एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, इसके बाद से आपको मिल जाएगा स्पाइस जेट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है। साथ में इसके नीचे आपका जो है इसका फेयर जो है यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा, कितना इसका ज्वाइनिंग फीस है, लाइफ टाइम फ्री में है या नहीं है। बट इसमें वेव ऑफ होता है कि अगर आप साल का 1 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हो तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेस होगा एनुअल वो आपको लाइफ टाइम फ्री में कर दिया जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे पसंद होगा उस क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके और आसानी के साथ यहाँ पे अप्रूवल ले सकते हो। जैसे मुझे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसका ज्वाइनिंग फीस जो है जो 500 प्लस GST यानी 518 रुपीज़ करीब करीब पड़ेगा, जो कि आप आसानी के साथ इसमें 2 लाख अगर स्पेंड करते हो साल का तो आसानी के साथ आपका यहाँ पे एनुअल फीस जो है वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये फ्री हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, OTP को डालेंगे, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन के ऊपर सिलेक्ट करना है। इसके बाद से सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपका क्रेडिट कार्ड जो है देख सकते हो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, C1 नंबर जो है आपको यहाँ पे मिल चुका है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आएगा और वहां से जो भी आपने डिटेल्स डाला है उस डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। डिटेल्स कंप्लीट होते ही दोस्तों आपके एड्रेस पे जो भी आपने रेसिडेंट एड्रेस सेलेक्ट किया होगा आपके एड्रेस पे विदिन 1 वीक के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक को 2023 के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड